बांध प्रभावितों द्वारा रोके गए रुंज बांध का काम चालू करवाने दलबल के साथ पहुंचा प्रशासन। कुछ लोगों का मुआवजा नहीं मिलने से साल भर से बंद था काम। खबरों के प्रायोजक है होटल एक्यू। होटल एक्यू में मात्र 1250 रुपए में रूम प्रारंभ। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील अंतर्गत विश्रामगंज में लगभग 279.67 करोड़ की रुंज बांध का सिंचाई परियोजना के काम को लगभग 2 साल पूर्व स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसलिए रुकवा दिया गया था क्योंकि लगभग आधा सैकड़ा लोगों का मुआवजा एवं विस्थापन राशि नहीं मिली थी। प्रशासन द्वारा कई बार प्रयास किया गया लेकिन मुआवजा नहीं मिलने से प्रभावित ग्रामीणों काम चालू नहीं करवाने दे रहे थे। विगत कुछ समय पूर्व कलेक्टर सुरेश कुमार और पुलिस अधीक्षक साईकृष्ण एस थोटा के द्वारा ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर वार्तालाप किया गया और शेष प्रभावितों की राशि का भुगतान 15 दिन के अंदर करने का आश्वासन दिया गया एवं अजयगढ़ SDM कुशल सिंह गौतम ने राजस्व एवं भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर रुंज बांध का रुका हुआ काम चालू करवा दिया गया है। SDM ने बताया है कि यह प्रोजेक्ट साल 2018 से प्रारंभ हुआ था जिसको 2022 में पूर्ण होना था लेकिन कोविड-19 संकट काल और ग्रामीणों के अड़ंगे की वजह से अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। अब दिसंबर 2025 तक पूर्ण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बताया कि इस बांध से केवल एक गांव विश्रामगंज प्रभावित हुआ है जबकि अजयगढ़ तहसील क्षेत्र के 47 गाँव की 14,450 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी एवं 5 MCM पेयजल के लिए रिजर्व होगा। 279.69 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का काम अब पुनः शुरू हो चुका है। इस योजना में 849 किसान और 375 मकान भी प्रभावित हुए हैं। 363 व्यक्त परिवारों को 5-5 लाख रुपए मकान निर्माण हेतु दिया गया है। ग्रामीणों को वितरण हेतु अनुमानित अवार्ड की राशि का 98% तक का वितरण हो चुका है। शेष बचे प्रभावितों की राशि भी शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। ये जो है कुछ कोरोना के कारण भी प्रभावित रहा। ये एक्चुअल क्या है कि जून 2018 से कार्य प्रारंभ हुआ था और जो दिसंबर 22 में समाप्त होना था लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण थोड़ा सा समय बढ़ गया है। अभी ये कार्य अवरुद्ध था और आज जो है हम इस कार्य को पुनः प्रारंभ करवाए हैं और 1-2 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। किसानों के कुछ इश्यूज आ रहे थे उसको आज सॉर्ट आउट कर दिया गया है। हाँ, अधिकांश तो किसानों का भुगतान हो चुका है। जैसा कि हमने जो है इसमें वृक्षों का है, कृषि भूमि का है, वो करीब 93% भुगतान हो गया है और मकानों का है वो भी जो है वो करीब करीब 94% वो भी भुगतान हो गया है और भुगतान में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी उन्होंने ये दिया था जो अवरुद्ध आ रहा था उसमें एक जो इनलीगल टाइप उनकी मांगे थी जो है तो उसकी भी हमने पूरी जांच करवाई। उनके कहने से पूरी जांच वगैरह करवा के और जो उसमें पात्र हमको पाए हैं 1-2 लोग जो भी हैं तो उनका हम कर रहे हैं। जैसे 12 लोग अभी उसके लिए वयस्क थे वो तो उन्होंने क्या है कि पहले कागजात वगैरह उपलब्ध नहीं कराए थे, अंक सूची है या विवाह प्रमाण पत्र वगैरह है, इसके कारण वो हुआ था। तो हमने ये कल जो है उसका अवार्ड पारित कर दिया है और वो 1-2 दिन में पैसा उनके खाते में पहुँच जाएगा। क्षेत्र के लिए कितना लाभकारी है ये प्रोजेक्ट? ये जो है इसमें मात्र एक गांव प्रभावित हुआ है विश्रामगंज, यहाँ की कृषि भूमि कुछ वन भूमि और वो है और इससे करीब आसपास के करीब 47 गांव जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये मतलब सिंचाई के लिए भी है और पेयजल के लिए भी पर्याप्त जो है जल उपलब्ध रहेगा इसमें। जैसा कि बुंदेलखंड पानी के लिए सूखे के लिए जाना जाता है लेकिन ये प्रोजेक्ट आने से कितने लोगों को लाभ मिलेगा और कितना ज़्यादा किसानों के लिए लाभान्वित रहेगा? ये 47 आसपास के जो गांव हैं ये पूरी तरह से सिंचित हो जाएंगे और पेयजल के लिए तो हमने अदर तहसील में भी यहाँ से पानी जा सकता है। पूरा पेयजल जो है रिजर्व रखा है, करीब 5 MCM जो है वाटर यहाँ रिजर्व रखा हुआ है, जब भी आवश्यकता होगी तो हम पेयजल के लिए भी उपलब्ध कराएंगे। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है सर ये? कुल जो है 279 करोड़ के आसपास का है। अब क्या अनुमानित डेडलाइन रखी है क्योंकि डेडलाइन से तो पीछे चला गया प्रोजेक्ट पूरा? ये दिसंबर 25 तक जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा। थैंक यू सर।